फरहान, तुमने जो किया था तुम्हें उसी की सजा मिली थी। किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की थी यार। फरहान, तुम मुझे माफ भी कर सकते थे, तुम मेरे रिश्तेदार हो यार। कौन सा रिश्ता नहीं निभाया? कब नहीं माना कि तुम हमारे रिश्तेदार हो? तुम लोगों को महीने का माकूल खर्चा देते रहे, बहुत बुरा लग रहा है जताना मुझे। तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, हमने अपनी फैक्ट्री में तुम्हें मैनेजर की नौकरी दी, इज्जत दी, और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? मेरी माँ को जलील करके उस घर से निकाला। अच्छे खासे इज्जतदार तरीके से मेरी माँ रिदा का रिश्ता लेने आई थी, लेकिन नहीं, तुम लोगों को इज्जत रास ही नहीं है। ओ भाई, ऐसा नहीं, बस बस अपना ही है, जो करना है। नहीं कराई ना मेरी शादी रिदा से, देखता हूं कौन करता है उससे शादी। एक बार मौका मिला ना, उसे इतना बदनाम करूंगा कि दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी वो। शाका, फरहान, एक बात याद रखना, मैं कुछ भी सुन सकता हूं, लेकिन अगर कोई रिदा के बारे में गलत बात करेगा ना, नहीं करूंगा। इसलिए आज के बाद अपनी इस गंदी जुबान से अगर तुमने रिदा के बारे में कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे रिश्तेदार हो। मैं खून कर दूंगा तुम्हारा, समझे तुम? हां, कूल डाउन, जो इसे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे, मैं भी देखता हूं कैसे होती है रिदा की शादी। छोड़ो मुझे। ओए राम से बैठो यार, डोंट वरी, थिंग्स विल बी सेटल्ड। हाँ, मैं भी ऐसे ही गुस्सा आ गया। तुम ये चाय पियो। थैंक यू यार, तुम नहीं जानते तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। अम्मी जी और बाकी सब घर वाले बहुत परेशान थे, अच्छा हुआ ये मामला सुलझ गया, वरना हम सब बहुत उलझन में थे। इसके बदले तुम जो काम कहोगे ना वो फहम जरूर करेगा। कोई जरूरत नहीं है थैंक्स कहने। वैसे यार मुझे बहुत हैरत हुई है कि ये तुम्हारा रिश्तेदार था। वैसे इस दौर में इंसान किस पर भरोसा करे? हाँ यार, दिल तो बहुत बुरा हो रहा है उसे देख कर, लेकिन वो यही डिजर्व करते हैं। सही क्या, बुरे काम का बुरा अंजाम ही होता। जी, मैं जीशान बात कर रहा हूँ। आपने क्यों फोन किया? वो दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। लफ्ज तो हजारों हैं मेरे पास, लेकिन कहने की तरतीब नहीं बना पा रहा। मैं कैसे कहूँ आपसे? आंखें बंद करता हूँ तो आप नजर आती हैं, आंखें खोलता हूँ तो
और भी बहुत कुछ अजीब, नहीं अजीब नहीं, खूबसूरत सा महसूस कर रहा हूं। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन एक बात जानता हूं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना कभी किसी से मोहब्बत की और ना ही इश्क, लेकिन इश्क के बारे में जो कुछ सुन रखा है सब कुछ वैसा ही हो रहा है। I'm sorry अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो, पर मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। मैंने आपसे ये कहना था कि पता नहीं क्या कहना था, जो कह रहा हूं सच है और खूबसूरत भी है। फरहान को अदालत ने तो सजा दी थी, लेकिन उसने जो हमें परेशान किया उसकी सजा उसे कैसे मिली? अच्छा चलो छोड़ दो ना, मैं नहीं छोड़ सकता उसे और ना ही उसे कभी माफ करूंगा, उसे सजा देकर ही रहूंगा। ठीक कह रहे हैं आदमी, उसकी जरूरत कैसे हुई हमें इतना अरसा मेंटली टॉर्चर करने की? और रिदा के बारे में ये सब क्यों, उसने कहा क्यों? फरहान की माँ, क्या नाम है उसका, हाँ जहरा, उसने रिदा का रिश्ता मांगा था। मैंने डांट कर चुप करवा दिया, शायद उसी का बदला लिया। लेकिन अब तुम लोगों को यकीन आ गया ना कि तुम्हारी बहन ऐसी नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि रिजा 100% सही है, उसका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। मुझे तुम लोगों से जरूरी बात करनी है। जिशान की माँ जी फिर आई थी, उन्होंने जिस मोहब्बत और चाहत से दामन फैला कर रिदा का रिश्ता मांगा है, मैं तो सोच में पड़ गई। क्या मतलब? मेरे ख्याल में हमें ये रिश्ता कबूल कर लेना चाहिए। उस दिन तो आप इनकार करने की बात कर रही थी, लेकिन आज फिर उन्होंने बहुत इल्तजा की है। अम्मी जी, उनकी इल्तजा अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों में ये डिस्कशन हुई थी, जब तक रिदा अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर लेती हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन पढ़ाई तो शादी के बाद भी की जा सकती है। लेकिन जिस मोहब्बत और चाहत से जिशान की माँ जी ने रिश्ता मांगा है, हर माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की होने वाली सास उसे बिल्कुल अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करे। लेकिन आप सबको तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इशू है। जिशान अच्छा लड़का है ना? हमें इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जिशान एक तमीजदार, पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ लड़का है। घर हमेशा अच्छे शौहर से बनते हैं, शौहर अगर बुरा हो तो अच्छा घर भी बर्बाद हो जाता है। तो हम ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? रिदा के लिए आखिरी रिश्ता तो नहीं है ना? आप दोनों क्या बातें क्या कर रहे हैं ये? और अगर दोबारा ऐसा रिश्ता ना आया तो? अम्मी आप इसकी बात तो छोड़ी दें, आप ये बताएं कि आपने क्या फैसला किया? मैंने सोचा है कि जिशान को, हमें इस बात की तसल्ली होनी चाहिए कि रिजा 100% सही है, उसका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। रिदा फिर सबकी नजरों में अच्छी बन गई है।
सारे घर में ढूंढा है तुम्हें, बार बार सीढ़ियां चढ़वाते हो। चलो आओ, मैंने खाना लगा दिया। माँ जी, माँ जी, रिदा के घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं? इस क्यों का जवाब तो नहीं है, पर मुझे अपने रब से पूरी उम्मीद है। तसल्लियां दे रही है मुझे। कुछ भी समझ लो, मेरा दिल कहता है अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हुई ना तो अल्लाह ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा। माँ जी, पता नहीं क्यों बेचैनी सी है मुझे कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे रिदा ना ले तो क्या होगा? ना जिंदगी रुकेगी ना सांस थमेगी। माँ जी, क्या कह रही हैं आप? मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। इंसान को अपनी मोहब्बत पर यकीन होना चाहिए, मिले या ना मिले, मोहब्बत करने वाला तो निभाए ना। चलो आओ, इतने मजनू ना बनो ईशान। चलो शमीला, क्या हुआ? फहम, आप, मैं आप ही का ही वेट कर रही थी। क्या हुआ आज? आज ऑफिस से देर हो गई आने में? हाँ नहीं, मैं अम्मी जी के पास बैठा था, कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करनी थी। अच्छा, कहीं रिदा के रिश्ते की बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, वो आजकल जिशान की अम्मी काफ़ी चक्कर लगा रही है ना, तो मुझे लगा शायद। रिदा भी बहुत छोटी है, स्टडीज कंप्लीट हो जाए फिर देखेंगे। फहम, आपने बहुत सही फैसला किया है। हमारी रिदा की भी उम्र ही क्या है, उस मासूम के लिए तो अभी घरदारियों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक कह रही हो। सुनो, बहुत दिनों बाद आज बहुत जोर से भूख लग रही है, थोड़ा सा खाने को मिलेगा? थोड़ा सा क्यों, बहुत सारा मिलेगा। आप चेंज कर रहे हैं, मैं खाना नहीं पाती। ओके। रिदा की अभी उम्र ही क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। जायदा, जायदा आपा, फहम के लिए खाना निकाल दे। अरे बेटा बस करो ना, जाओ ऑफिस, देर हो रही है। कुछ नहीं होता अम्मी जी, आप आराम करें। खाला जान, आपकी मेडिसिन के टाइम हो गए। शमीला, तुम कितनी अच्छी हो ना। ओह माय गॉड, आपको पता, मैं पास हो गई हूं, मेरा ग्रेड ए आया है। आई एम सो हैप्पी। ये देखें मेरा रोल नंबर। मां, ना तुम्हें हर इम्तिहान में पास कर। आमीन, अब तो ट्रीट बनती है ना। हाँ, ट्रीट भी बनती है, और तुमसे जो प्रॉमिस किया था बाहर भेजने का, वो भी पूरा करेंगे भाई। थैंक यू, कितना अच्छा रिजल्ट आया। उफ, मैं जल्दी से आतिम भाई को फोन करके बता दूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ले जी, अब तो इसको बाहर भेजना पड़ेगा, पढ़ना चाहती है, अच्छी बात है। और ट्रीट भाई, आज ट्रीट का इंतजाम करना पड़ेगा हमें, वरना मेरी जान के लाने पड़ जाएंगे। खाले सन दवाई। जिशान, ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अहम है, बॉस के बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट का है, इसमें किसी भी किस्म की कोताहियां बर्दाश्त नहीं होगी, और हर एक एक पॉइंट को बहुत डिटेल से देखना पड़ेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। गिव मी अ मोमेंट। जी जी, प्लीज। क्या हो गया रिदा, क्यों बार बार फोन कर रही हो तुम? क्या कहा तुमने? ए ग्रेड से? इम्पॉसिबल, तुम ए ग्रेड से पास हुई हो। गिफ्ट क्या होना चाहिए, मुझे 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 समझ नहीं आ रहा है। हाँ वो सब ठीक। रिदा, मैं इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ। ओके ओके, तुम्हारा गिफ्ट भी लेकर आऊंगा, डोंट यू वरी अबाउट। ओके, बाय बाय। अच्छा खैर, हम जिशान कह रहे थे कि इसके पॉइंट्स को डिस्कस कर लेंगे। अपनी टीम से बोलो कि इसके मैप के ऊपर सारी डिटेल्स दे मुझे। हाँ सना, माशाल्लाह से अल्लाह ने इतना करम किया है, माँ ने इतनी दुआएं की थी, हम लोग कितने अच्छे ग्रेड से पास हो गए, इतनी सप्लीज आई है, यकीन करो मेरे साथ तो लड़की नहीं बैठती थी, उसका भी एक पेपर रह गया है, और नहीं तो क्या। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ, अल्लाह हाफिज। माँ मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश।
तुमने शुक्राने के नफिल पढ़े? अभी जाके पढ़ लेती हूँ। रिदा, रिदा तुम्हारी फ्रेंड आई है रोशना, प्लीज उससे मिल लो। माँ मैं मिल के आती हूँ। वो जाहिदा से बोलो कि उसके, चलो मैं जा रही हूँ, मैं कह देती हूँ। जाहिदा भाई रुशना आई है, उन लोगों के लिए चाय बनाओ। और रिदा मुबारक हो, हम अच्छे ग्रेड से पास हो गए। यस, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है, शुक्र है फराज के सामने मेरी इज्जत रह गई यार। लो तुम्हें अब भी फराज की फिक्र है। जाहिर है, शुक्र है मुझे उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुम तो यूनि ज्वाइन कर रही हो ना? हाँ हाँ, फाम भाई मेरा एडमिशन कराएंगे। जिशान इस प्रोजेक्ट पे हमें ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, पूरा टाइम लग जाए, लेकिन आज इसे हम खत्म करके ही जाएंगे। ठीक है। बॉस की कॉल। जी बॉस। जिशान तुम मेरे कैबिन में बैठो, मैं आ रहा हूँ बॉस के पास। ठीक। हेलो, हेलो, कॉल आ रही है सुशांत की, आप ही सुन लें। बंद हो गई। वो देखिए ना, मैसेज भी आ गया। खाना चाहें? हाँ, आप ही सुने। सलामुअलैकुम जी, अभी आपका फ़ोन आया, मैंने उठाया लेकिन कट गया वो। फिर मैंने फ़ोन किया, आपने नहीं उठाया। दरअसल मुझे अभी भी पता चला कि आप माशाल्लाह पास हो गई हैं। दिल तो ये चाह रहा था कि मोहब्बत के साथ आपको आके मौके दूँ, लेकिन अब बस में नहीं। तो मुबारक हो, खुशी हुई मुझे। बस खाला जान, यही बातें थी जिसकी वजह से मैं रिदा को उस दिन भी समझा रही थी। रिदा मेरी बहनों की तरह, मैं उसको उसके अच्छे के लिए समझा रही थी, और उससे लग रहा था कि मैं उस पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ। उस दिन फहाम के सामने भी खामोखा इतना बड़ा हंगामा हुआ, और मैंने भी आपसे कितनी बदतमीजी की। खाला जान, उस दिन के लिए मैं आपसे फिर माफ़ी मांगती हूँ। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं किसी को भी हर्ट करूँ, बदतमीज़ी करूँ। देखिए ना, रिदा को उल्टे सीधे मैसेजेस भी आ रहे थे, और निकाह से पहले किसी भी लड़के से बात करना मुनासिब थोड़ी ना होगा। रिदा बहुत मासूम है खाला जान, किसी भी लड़के पर हम ऐसे थोड़ी भरोसा कर सकते हैं। आपको तो पता है ना, ये फ़ोन पर बातें और मैसेजेस हमारी रिदा के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। खैर, मैं जायदा को देखती हूँ, कबाब वगैरह मैं खुद बनाती हूँ। तो बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम रुशना, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो शादी की भी और पास होने की भी। खैर मुबारक, थैंक यू सो मच। तुम दोनों खड़े क्यों? बैठो ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी बैठे बातें करें हमारे साथ। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों सहेलियों ने आपस में बहुत से राजों ने आस करने होंगे, बातें करनी होंगी। मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनूंगी। चाय लाती हूँ। तुम क्यों खड़ी हो, बैठो ना। यार ये तुम्हारी भाभी जो है ना, ये कैसी बातें करती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है तंज कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, छोड़ो तुम। मुझे कुछ हाँस अच्छी नहीं लगती, तुम जरा बच के रहा करो। अरे तुम क्यों ये फजूल बातें कर रही हो, कोई और बात करते हैं ना। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे ये बताओ कि उन मजनू साहब का क्या हाल है,
कहाँ तक पहुंची बात, शादी या फिर मंगनी? नहीं, मेरे घर वालों ने बात खत्म कर दी है। क्या, मगर क्यों? मालूम नहीं। अच्छा तुम बताओ ना, तुम कब जा रहे हो कनाडा? यार मैं तो अभी जा रही थी, सारी पैकिंग भी कर ली है, बस फराज के एक दोस्त की शादी आ गई, अब वही अटेंड करके फिर जाएंगे। और हाँ, तौकीर भाई ने अम्मी को अपने पास बुला लिया ऑस्ट्रेलिया, अब जाहिर बात है वो अकेले तो नहीं रह सकते ना यहाँ पर। तौकीर भाई अगर शादी कर लेते तो मम्मा यहीं रह जाती, मगर पता नहीं उन्होंने किस स्टूपिड लड़के से मोहब्बत कर ली है जिससे उनकी ज़रा से भी परवाह नहीं है। एक तो ये मोहब्बत का रोग है, जाके नहीं जाता। अच्छा तुम मुझे बताओ तुम कुछ खाओगी? जल्दी से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ एक मिनट। वो मेरा फोन कहाँ है, कब से वहां ढूंढ रही हूँ, मेरा खाली यहीं भूल गई हूँ मैं। माँ आपने मेरा फोन देखा है? ये रहा तुम्हारा फोन। थैंक यू। ये बंद क्यों हुआ है? जिशान की कॉल आ रही थी इसलिए मैंने बंद किया था। जिशान की कॉल्स? शमीला ने भी सुनी थी। तुम्हारी उससे बात होती है क्या? नहीं माँ, मेरी कोई बात नहीं होती, मैं क्यों उससे बात करूंगी? आपको शमीला भाभी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। रुशना चली गई या बैठी है? माँ वो तो बैठी हुई है, मैं इसलिए फोन लेने के लिए आई थी क्योंकि पिज्जा ऑर्डर करना था मुझे। तो जाओ ना, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, जाओ। इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना सब? मैंने रिदा की शादी करने का फैसला कर लिया। रिदा की शादी का फैसला?
इतनी अचानक से क्यों मम्मी जी? अभी कल ही तो उसका रिजल्ट आया और हमने तो ये फैसला किया था ना कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। जिशान बहुत अच्छा लड़का है, मैं इस रिश्ते को इनकार नहीं करना चाहती। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे ये लोग पसंद है। ठीक है, मान लिया, लेकिन वो वाहिद ही अच्छा रिश्ता तो नहीं है ना अम्मी जी। रिदा मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता रिजर्व करती है, और कल सबने मना किया था, आज आप मान रही हैं, ये क्या बात हो रही है? बेटा मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है, अब कोई भी मुझसे। अच्छा, रिदा से पूछा आपने? इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, क्या पूछना? फिर भी ना अम्मी जी, पूछना तो चाहिए ना। मुझे पूरा यकीन है कि रिदा मेरी बात समझेगी। फाम भाई, आप क्यों खामोश बैठे हैं यार? आप कुछ तो बोले, आप रजामंद हैं इस रिश्ते से? मुझे पहले कभी अम्मी जी के किसी डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और अगर अम्मी जी ने फैसला किया है तो बिल्कुल सही फैसला किया होगा। ठीक, मैं क्या कह सकता हूँ। हातिम, जिशान को फोन कर दो, आज मैं और फाम उसके घर जाएंगे। वैसे मैंने सारी जिंदगी मैंने आपके कभी किसी भी फैसले पर कोई एतराज नहीं किया, आपसे आर्ग्यू नहीं किया, बस एक बात का दुख दिल में रह जाएगा, रिदा की तालीम मुकम्मल होने की ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। बेटी और बहन के लिए इज्जत ज्यादा अहम होती है, ख्वाहिशात में। क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रही हैं? खुलकर बात कीजिए। बात जब एक जबान से निकलकर दूसरी जबान तक पहुंचने लगे तो भड़कती आग की तरह उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। लोग दूसरों पर कीचड़ उछालते वक्त एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। आप क्या कह रही हैं अम्मी जी, सही से बताइए ना। देखो फाम, बेटा मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। मुमकिन है मैं गलत हूं, लेकिन बेटा इन हालात में रिदा के लिए यही बेहतर। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बड़े बेटे। तुम बताओ, तुम तो मेरा साथ दोगे ना? नहीं जी, मैं तो हमेशा से आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूंगा। जी सर, आपका अपना घर है, प्लीज आइए, प्लीज प्लीज, मुलाकात होती है, खुदा हाफिज़। कौन आ रहा है? माँ जी, वो हातिम कह रहे हैं कि रिदा के घर वाले आज यहाँ हमारी तरफ आ रहे हैं। आज? अरे वाह, इसका मतलब है कि उन्होंने शायद, मुझे पता था मेरा खुदा मुझे मायूस नहीं करेगा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैं कोई इंतजाम तो देखूं। आप सुनो, कुछ चीजें लानी होंगी। क्या लानी, बता सकते हैं मुझे? बताती हूँ। ज़ायदा, ज़ायदा। जी जी। ज़ायदा क्या बात है, कब से जूस का बोला हुआ, कहाँ है मेरा जूस? मुझे नहीं पता था कि आप सो के उठ गई, मैं अभी बना देती हूँ। अजीब बात है कि आपको पता नहीं था, बोला भी हुआ है।
है, मुझे भूख लग रही है, खाने में क्या है? खाना तो नहीं बना। क्या मतलब है खाना नहीं बना? वो बेगम साहिबा कुछ बता के नहीं गई। और बेगम साहिबा कहाँ गई हैं? वो फाहम बेटे के साथ गई हैं। फाहम घर आए थे क्या? जी थोड़ी देर के लिए आए थे, बेगम साहिबा को लेके चले गए। रिदा भी साथ गई है? नहीं। अच्छा ठीक है, अब मेरा मुंह क्या देख रही है, जल्दी करें। एक तो आप सबके काम कर लेते हैं, आपको मेरा काम ही याद नहीं रहता। मैं अभी जल्दी बना दें, कमरे में भिजवा दिएगा। ला रही हूँ अभी, ला रही हूँ फौरन। देखिए बहन, दुनिया में कुछ भी मुकम्मल नहीं होता और ना ही मिलता है, लेकिन आप लोगों की चाहत और मोहब्बत ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि हमें अपना फैसला बदलना पड़ा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। मैं भी आपकी जगह होती तो यही करती। पर एक बात कहती हूँ, हमने आपसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ सच सच बताया है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ज़ीशान बहुत अच्छा, शरीफ और नेक लड़का है। और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ कि ज़िंदगी में कभी आपको इससे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह। और एक बात है, रिदा के लिए आपको इस घर में मोहब्बत की, चाहत की, कदर की कमी महसूस नहीं होगी। देखिए हम भी आपकी शराफत और मोहब्बत पर एतबार करके ही यहाँ पर आए, वरना हम तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ठीक ठाक सर, आप यहाँ कैसे? हबीब साहब हमारे बिजनेस पार्टनर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, याया साहब के। अच्छा अच्छा सर, यहाँ कैसे आप? ये मेरी बहन और ये मेरा भांजा ज़ीशान। अच्छा, क्योंकि तो बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हो गई यहाँ। अब तो रिश्ते में देरी नहीं करनी चाहिए। अब आप लोग बताएं हम लोग कब आए तारीख लेने के लिए, हम लोग जल्द शादी करना चाहते हैं। जी आप लोगों के इसरार पर ही हम रिदा की इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं, वरना हम तो चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे आगे। अम्मी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम दरअसल चाहते थे कि रिदा अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले, लेकिन अब बहरहाल खुदा को जो मंजूर। आप बताइए शादी के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है, हम वो शुरू कर दें। और शादी की तारीख जो आप मुनासिब समझें। इसका मतलब हुआ कि बात पक्की हो गई। मैं अभी कुछ मीठा खाने के लिए लाती हूँ, सबका मुंह मीठा कराती हूँ। मुबारक हो आपका, आप तो तुमको भी बेटा बहुत मुबारक हो। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, रिदा हमारी बेटी है। माई आप क्या कह रही हैं? क्यों बेटा तुम्हें कोई एतराज है? एतराज माँ? देखो बेटा, ज़ीशान बहुत अच्छा लड़का है और उसकी माँ भी, उन्होंने बहुत चाहत से तुम्हें मांगा है। और फाहम को भी वो लोग बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन मामा मैं अभी कैसे शादी कर सकती हूँ, मेरी स्टडीज़। अरे बेटा स्टडीज़ शादी के बाद भी तो मुकम्मल की जा सकती हैं। तुम्हें पता है ज़ीशान की माँ ने भी शादी के बाद ही अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी, और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे साथ तआवुन करेंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज़ उन्हें रोक दो। वो बहुत इज्जत, चाहत और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं महज तुम्हारी पढ़ाई को बुनियाद बनाकर इनकार नहीं करना चाहती। और फिर वो तुम्हारी दोस्त है ना रुशना, उसकी भी तो शादी हो गई है ना जान। मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी माँ? बेटा ये तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर जाना ही है ना, तो क्यों ना मैं मुनासिब वक्त में तुम्हें अपने घर का कर दूं। सुशांत की माँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करने वाली, तुमने ना उनके खुलूस और मोहब्बत की कदर करनी है। जब प्यार का जवाब खुलूस और वफा से ना मिले ना, तो दिल बहुत दुखता है। तुम कोशिश करना बेटा कि तुम्हारी वजह से उनका दिल कभी ना दुखे। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रही हैं। तो बस फिर जानती हो तो खामोश रहो बेटा, और जो हो रहा है ना उसे होने दो। अपनी माँ की बात मान जाओ बेटा।